हेलो गाइस एंड वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्टर। आज हम आपको बताएंगे नाबार्ड ग्रेड ए आरडीबीएस ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2017 के बारे में। आइए देखते हैं इसकी फुल डिटेल्स। जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो आईबीपीएस है और एप्लीकेशन मेथड सिर्फ ऑनलाइन है। जो क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर पीजी हो विद 50% मार्क्स, या फिर आप सीए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, साथ में आपके पास बैचलर डिग्री है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए और पीजी डीबीएम वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 2 साल का फुल टाइम कोर्स सर्टिफिकेट हो। क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ जनरल पोस्ट के लिए है। जो अदर पोस्ट हैं उसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट। एज है वो 21 से 30 साल होनी चाहिए। 1 जून 2017 को रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी 91 है और पे जो है वो 28,150 प्लस अलाउंस मिलेगी। एग्जाम फी जो है वो 800 रुपये है के लिए, 800 रुपये ओबीसी के लिए और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 150 रुपये है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ ऑनलाइन ही पे की जा सकती है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो एडवर्टाइजमेंट 19 जून 2017 को जारी हो चुका है और लास्ट डेट है 10 जुलाई 2017। एग्जाम अगस्त 2017 में होगा। सिलेक्शन जो ऑनलाइन प्री एग्जाम, उसके बाद ऑनलाइन मेन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू होगा। और अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट employmentspoint.com। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।